भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने सिहावा विधानसभा के विधायक लक्ष्मी ध्रुव और अधीर रंजन चौधरी का पुतला दहन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा नगरी की ओर से सिहावा विधानसभा के विधायक लक्ष्मी ध्रुव की साथ अधीर रंजन को इस्तीफा देने की मांग यहां पर करवाई गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सिहावा विधानसभा के विधायक लक्ष्मी ध्रुव और अधीर रंजन चौधरी का पुतला दहन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा नगरी की ओर से सिहावा विधानसभा के विधायक लक्ष्मी ध्रुव के साथ अधीर रंजन चौधरी का पुतला दहन किया, जहां पर लक्ष्मी ध्रुव को इस्तीफा देने को लेकर नारे लगाए गए। साथ ही अधीर रंजन चौधरी से माफी मांगने को लेकर नारे लगाए गए। 27 तारीख को लक्ष्मी ध्रुव सिहावा विधानसभा विधायक के खिलाफ अदालत में धोखाधड़ी का केस दायर करने का आदेश जारी किया। आपको बताते चलें, दुर्ग के गर्व इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष पद पर रहते हुए पूर्णिमा ठाकुर को डायरेक्टर बनाने के नाम पर 23 लाख से अधिक राशि लेने का आरोप लगाया, जिसको लेकर विधायक का पुतला दहन किया गया है। हमारे सिहावा विधानसभा क्षेत्र के जो लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले फर्जी विधायक, जिन्होंने दुर्ग में गर्व इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वो विधायक के पूर्व वहां की डायरेक्टर थी और विधानसभा चुनाव टिकट मिलने के पश्चात सिहावा विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा और सिहावा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उसके ऊपर विश्वास करके उसे क्षेत्र का विधायक बनाया। लेकिन क्षेत्र की जनता को ये मालूम नहीं था कि ये डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव इतना मतलब फर्जी और धोखाधड़ी करने वाले विधायक। भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल नगरी द्वारा सिहावा विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव जी का पुतला दहन किया गया, जिसमें उनके खिलाफ अदालत द्वारा दुर्ग के जिला सत्र न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित हुआ है, जिसमें उनके खिलाफ 400 BC का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दुर्ग न्यायालय द्वारा प्राप्त